गाइस, आजकल के यूथ में आईफोन को लेकर बड़ा क्रेज रहता है, और इसी क्रेज को देखते हुए एप्पल अब सिर्फ 3,000 रुपए में आईफोन बेचने वाला है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एप्पल अपने आईफोन लवर्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आने वाला है, जिसमें आप एप्पल को हर महीने करीब 3,000 रुपए देकर एक नया आईफोन ले सकते हैं। ये प्लान फोन को ईएमआई से खरीदने से अलग है, क्योंकि इसमें आप फोन को रेंट पर ले रहे हैं और सब्सक्रिप्शन एंड होने पर आपको फोन वापस करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्लान में एप्पल का क्या फायदा। दरअसल एप्पल ये चाहता है कि प्राइस के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लोग आईफोन खरीद कर एप्पल के इकोसिस्टम में घुस जाएं, जिसके जरिए एप्पल अपनी दूसरी सर्विसेज को आसानी से बेच सकता है, जिससे ये पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। गाइज, इससे एक बात तो क्लियर है कि आने वाले साल में लोगों का एक बड़ा हिस्सा आईफोन लेकर घूमेगा। इलोन मस्क ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिससे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। उन्होंने एक प्रीमियम फोन लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि फीचर्स के मामले में एप्पल के आईफोन से भी आगे निकलकर एप्पल को मात देने की तैयारी में है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि जब टेस्ला कंपनी घाटे में थी, उस वक्त उन्होंने एप्पल को टेस्ला कंपनी खरीदने के लिए बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन एप्पल ने एलोन मस्क के साथ मीटिंग तक करने से इनकार कर दिया था। और शायद इसी बात को एलोन मस्क ने याद किया होगा और एप्पल किलर फोन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी होगी। दूसरी तरफ एप्पल भी इलेक्ट्रिक कार्स में टेस्ला को टक्कर देने के लिए उतर गई है। अब इन दोनों की जंग में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जीतेगा कौन। गाइस, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।